ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ताबड़तोड़ छक्के मारने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना के बॉल से बोल्ड हो गए हैं। शाहिद अफरीदी अपने 23 शतक के लिए जाने जाते हैं। जब वे अपने लय में होते हैं तो दिग्गज गेंदबाज दुआएं मांगते हैं। हालांकि इस बार वे खुद कोरोना की चपेट में आ गए हैं, तो अब उन्हें दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान शाहिद अफरीदी भी कोरोना की चपेट में हैं। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण शुरू होने के बाद से ही अफरीदी पाकिस्तान में लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। वे अपनी टीम के साथ पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में राहत सामग्री पहुँचा रहे थे। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में लिखा है कि गुरुवार से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मेरे शरीर में काफी दर्द हो रहा था। मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। मेरी जल्दी ठीक होने की आप सब दुआएं करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने अफरीदी के जल्दी ठीक होने के लिए उन्हें मैसेज भेजे हैं। संदेश भेजने वालों में मोहम्मद हाफिज, सोहेल तनवीर और कामरान अकमल शामिल हैं। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। 398 वनडे खेलने वाले अफरीदी ने 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के लिए 27 टेस्ट मैचों में भी शिरकत की है, जबकि उन्हें 99 T20 मैचों में खेलने का मौका मिला। वनडे में सिर्फ 37 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड भी अफरीदी को लंबे समय तक कब्जा रहा। साल 2014 तक वे इस रिकॉर्ड के मालिक थे।